अच्छा, तो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन लिंगलिस्ट में भी ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जैसे सिंगली लिंगलिस्ट का कोड को हमने यूज़ करके स्टैक की इम्प्लीमेंट जैसे हमने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करी है, सिंगली लिंगलिस्ट के कोड को यूज़ कर देगा ना, तो जो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, क्यू को अगर बनाना है लिंगलिस्ट के थ्रू, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना डब्ली लिंगलिस्ट के थ्रू हम करेंगे, सही है? तो नहीं, उससे थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है? तो असल में अच्छा, क्यू के अंदर ना एक चीज़ ये बात समझने की है, सही है? अच्छा, वैसे हो सकता है क्यू की इम्प्लीमेंटेशन विथ लिंक लिस्ट शायद आती हो काफ़ी सारों को, क्योंकि असाइनमेंट 4 में दिया हुआ था मेरे ख्याल से, लेकिन खैर देख लेते हैं कि जैसे अच्छा क्यू में हमारे पास ना एक, यानी अगर हम एक क्यू की बात करें, जैसे यहाँ पे एक क्यू दी हुई है, इसका फ्रंट एंड ये है और इस क्यू का रियर यानी इस क्यू का जो बैक साइड है वो ये है, ठीक है? अच्छा, तो अगर मुझे क्यू के अंदर एक लाइन चल रही है सही लोगों की, मुझे उसके अंदर किसी मुझे मज़ीद किसी बंदे को ऐड करना है, तो मैं उस क्यू के आखिर में ऐड करूँगा, सही? आखिर में ऐड कर, एक तो ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब हो गया इंसर्ट, ठीक है? दूसरा, हम आखिर में ऐड कर रहे हैं तो वो हो गया इंसर्ट लास्ट, ठीक है? यानी हमने जो फंक्शंस पढ़े हुए थे ना डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर, सही है? तो क्या कहते हैं, जैसे एक सेकेंड, जैसे एक हमने इंसर्ट फर्स्ट पढ़ा था, एक हमने इंसर्ट लास्ट पढ़ा था, ठीक है? और एक इंसर्ट आफ्टर भी खैर पढ़ा था। तो लेकिन हम जब क्यू में किसी को ऐड करते हैं, तो हम एक तो ऐड कर यानी जब हम क्यू में किसी को ऐड करते हैं, हम उसको सबसे आखिर में ऐड करते हैं, ठीक है? यानी हम इंसर्ट क्या कर रहे हैं, इंसर्ट लास्ट कर रहे हैं, सही है? तो हम डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर से एक ये कोड यूज़ करेंगे, यानी कंस्ट्रक्टर तक तो सेम रहेगा, ठीक है? डब्ली लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्टर तक तो उतनी रहेगी, ठीक है, सही है? और फिर फंक्शंस कौन कौन से यूज़ करेंगे, जो डब्ली लिंक लिस्ट में हमने काफ़ी सारे पढ़े थे ना, तो उनमें से एक हम इंसर्ट लास्ट यूज़ करेंगे, सही है? क्यू में किसी को डालने के लिए, और क्यू में किसी को डालने के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इन क्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो इंसर्ट लास्ट को हम इन क्यू से चाहें तो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? और दूसरा हम क्या करेंगे, बाकी अंदर का कोड तो वही रहेगा, ठीक है? अच्छा, और फिर हम जब क्यू से किसी को निकालते हैं तो कहाँ से निकालते हैं, जो सबसे आगे होता है, सही है? जो जिसका सबसे पहला नंबर आ रहा होता है, सबसे पहले वही फारिग होता है, सही? वही क्यू से निकलेगा, सही? उसी का काम सबसे पहले ख़त्म होगा, वही सबसे पहले क्यू से बाहर जाएगा। तो सबसे पहले क्यू से बाहर कौन जा रहा है, जो फर्स्ट नंबर पे है, सही है? यानी डिलीट किसको करना है, फर्स्ट को करना है, क्यू से निकालना किसे, फर्स्ट वाले को निकालना है, यानी डिलीट फर्स्ट, सही है? तो अब थोड़ी यहाँ पे क्या कहते हैं, ये डिलीट फर्स्ट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो अब यहाँ पे शायद थोड़ी सी सेंस बनने लगेगी कि हमें अगर हमने नोड का स्ट्रक्चर तो डब्ली लिंक लिस्ट वाला बनेगा, सही है? यानी एक हमारा नेक्स्ट का क्या कहते हैं एट्रीब्यूट होगा, एक हमारा प्रीवियस का होगा और एक में डेटा होगा, ठीक है? बाकी डब्ली लिंक लिस्ट की शुरू की क्लास तो वैसी बनेगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर तक, सही है? फर्स्ट और लास्ट का एक यहाँ पे वेरिएबल बनेगा, ठीक है? इसको चाहो तो फर्स्ट को फ्रंट कर दो यहाँ पे, सही है, और लास्ट को रियर कर देना, ठीक है? या फर्स्ट को हम फ्रंट कर देंगे, लास्ट को हम रियर कर देंगे, सही है? नाम चेंज करना तो इतना कोई मसला नहीं है किसी के लिए भी, आई थिंक, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाएगी क्यू वाली बात, कि क्यू में हमें अगर किसी को डालना है तो हमें कहाँ डालना होगा, इंसर्ट लास्ट, उसको आखिर में डालो, सही है? और अगर हमें क्यू से निकालना है तो किसको निकालना है, सबसे पहले वाले सबसे पहले हटेगा, तो डिलीट किसको करो, फर्स्ट को करो, सही है? इंसर्ट करना क्यू में लास्ट को, और डिलीट किसको करना है, डिलीट फर्स्ट को, ठीक है? तो इसमें तो और कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगी, सही? क्योंकि मेन दो फंक्शन तो यही है ना, एक इन क्यू करना और एक क्यू से बाहर निकालना, ठीक है? एक ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड, सही, एक इंसर्ट जो कह लो, सही है, उसको तुम इंसर्ट रहने दो या इन क्यू कर दो, सही? इंसर्ट लास्ट को, या तो इंसर्ट कर दो सिर्फ जब क्यू बना रहे हो लिंक लिस्ट के थ्रू, तो या तो इसको सिर्फ इंसर्ट कर दो या इन क्यू कर दो, जैसे यहाँ टॉप पे दिया हुआ था, ठीक है? और दूसरा डिलीट कहाँ गया, सॉरी, हाँ, डिलीट फर्स्ट को क्या डी क्यू कहते हैं हम आमतौर पे, सही है? डिलीट हटाने को, डिलीशन को डी क्यू कह रहे होते हैं जब क्यू की बात कर रहे होते हैं, तो डिलीट फर्स्ट को क्या कर दो, डिलीट या तो सिर्फ डिलीट कर दो या डी क्यू कर दो, सही है? जो भी नाम वगैरह, नाम देने का ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है, ठीक है? बाकी क्या कहते हैं, क्यू हमारी एम्प्टी है कि नहीं, सही है?
उसका फंक्शन तो यही इज एम्प्टी वाला बन जाएगा डायरेक्ट, सही है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और वही वाली बात आ जाएगी कि जब हम क्यू एरे के थ्रू बना रहे होते थे तो हमारे पास एक क्या कहते हैं, जब हम क्यू एरे के थ्रू बना रहे थे तो हमारे पास एक साइज़ का मसला आता था, लेकिन अब हम क्यू को किसके थ्रू बना रहे हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू। जब लिंक लिस्ट के थ्रू हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास साइज़ का कोई मसला नहीं होता, हम अनलिमिटेड साइज़ कर सकते हैं, तो हमारी ये जो क्यू बनेगी इसका साइज़ अनलिमिटेड होगा, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से साइज़ का कोई मसला है नहीं। ठीक है, तो क्यू हमारी फुल है कि नहीं है इसका कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्यू के अंदर इंसर्ट करने का देख लिया, क्यू के अंदर क्यू से डिलीट करने का देख लिया, सही है, क्यू हमारी खाली है कि नहीं वो देख लिया, सही है, और क्या बाकी है, और मेरे ख्याल से सही है। अच्छा, क्या कहते हैं यहाँ पे, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ये जो डिस्प्ले फॉरवर्ड वाला कोड है ना, सिंपली ये यूज़ करना, सही है, पहले बंदे से लास्ट बंदे तक को हम क्या कहते हैं प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं एक हम और फंक्शन एक शायद बनाना पड़ेगा, जैसे हमने स्टैक में एक बनाया था ना कि पीक करो फ्रंट को, सही है, तो पीक फ्रंट हमारा कौन होगा, जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल होगा, जो हमारी फर्स्ट और लास्ट हम अपनी लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सही है, पॉइंटर जो हमारे बेसिकली होते हैं, सही है, ये वाले दो। ठीक है, इसमें से फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट फर्स्ट होगा, या इसको फ्रंट कह लो, लास्ट हमारा क्या होगा, लास्ट से मुराद लास्ट ही है, यानी रियर में जो है हमारा डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, ये फ्रंट फर्स्ट हो जाएगा, लास्ट रियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, पीक जब यहाँ पे कहाँ कहाँ गया, जहाँ पे अगर हम पीक फ्रंट की बात करें तो इसके अंदर हम क्या रिटर्न कर देंगे, वैसे ही रिटर्न फर्स्ट कर देंगे जैसे हमने स्टैक के अंदर बात करी थी, सही है। और इस फुल वाला तो फंक्शन बन ही नहीं सकते क्योंकि हम लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एक इंट साइज़ वाला है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसका मैंने ऐसी फंक्शन उसका फंक्शन में भी क्या कहते हैं ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी, कहाँ गया, सही है, ये मैंने इस फॉर डिस्प्ले फॉरवर्ड वाला जो था ना, सही है, डब्ली लिंक लिस्ट का कोड, डब्ली लिंक लिस्ट का कोड डब्ली लिंक लिस्ट की वीडियो के कमेंट में मौजूद है, ठीक है, देखना हो तो देख लेना। ठीक है, डिस्प्ले फॉरवर्ड का जो कोड है ना उसी को बस उठा के कॉपी कर दें यहाँ नोड से, सही है, वाइल तक का लूप कॉपी करा है, और यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स का जो ये फंक्शन बना है इसके अंदर ये इतना पेस्ट कर दिया, सही है, यहाँ इससे पहले एक अपना वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया, आई से मुराद नंबर ऑफ आइटम्स कह लो, सही है। ठीक है, इनिशियली वो ज़ीरो होंगे, सही है, करंट में हमारा नोड फर्स्ट होगा, ठीक है, वाइल का लूप चलेगा, जहाँ पे करंट हमारा नल हो जाएगा वहाँ पे लूप हमारा क्या कहते हैं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और हर बार हम एक आई को एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे और हर बार करंट में नेक्स्ट करंट को स्टोर करते जाएंगे, आखिर में जब लूप ब्रेक हो जाएगा तो क्या कहते हैं आई रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा आई ज़ीरो है, सही है, और समझ लो हमारी लिस्ट खाली है मिसाल के तौर पे, तो फर्स्ट के अंदर नल मौजूद होगा, ठीक है, फर्स्ट के अंदर नल मौजूद होगा अगर हमारी क्यू खाली है नहीं, सही है, तो वाइल का लूप चलने जाएगा तो चल ही नहीं पाएगा, तो हमारा डायरेक्ट आई रिटर्न हो जाएगा तो हमारी लिस्ट खाली होगी। ठीक है, तो इसको चला के देखना चाहो तो मैंने एक ऐसी हल्का सा लिख के रखा था, ये पुराने वही टास्क का है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी पहली लाइन में डब्ली लिंक लिस्ट बनाई है, ठीक है, पहली लाइन में डब्ली लिंक लिस्ट बना ली है, सही है, दूसरी लाइन में हमने यहाँ पे देखो इंसर्ट लास्ट यूज़ करा हुआ है, सही है, मैं अपनी वही डब्ली लिंक लिस्ट की क्लास ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो असल में जब वो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन विद लिंक लिस्ट का जब सर ने वो टास्क दिया हुआ था असाइनमेंट के अंदर, तो मैंने ट्राई करा था तब खुद से, तब इतना सही से पढ़ा हुआ नहीं था, तो मैंने भी नेट से ही छापा था उस वक्त, सही है, इतना मुझे उस वक्त भी सही से समझ नहीं आया था, तो अभी डब्ल्यू लिंक लिस्ट करने के बाद काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था। ठीक है, तो सबसे पहले डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया था डब्ल्यू लिंक लिस्ट वन करके, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि हम क्यू के अंदर हमेशा आखिरी से बंदा एंटर होता है ना, एकदम एंड ऑफ द क्यू में बंदा एंटर होता है, तो हम इंसर्ट लास्ट का फंक्शन यहाँ पे क्या कहते हैं इंसर्ट लास्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसमें 87 डाल दिया, फिर इंसर्ट लास्ट यूज़ कर रहे हैं, सही है, और 45 डाल दिया, अभी सबसे आगे कौन होगा, 87 होगा, उसके पीछे 45 होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्यू से हटाते किसको, जो सबसे आगे होता है यानी जो फर्स्ट नंबर पे होते हैं उसको हटाते हैं, तो डिलीट फर्स्ट को यूज़ करा, अभी तक फर्स्ट
क्या कहते हैं, 87 हमारा फर्स्ट पे था, 45 उसके बाद आया तो वो सेकंड पे था, फिर हमने डिलीट फर्स्ट करा तो हटेगा कौन लिस्ट के अंदर से, 87 हट जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं 62 को एंटर करा लिस्ट के अंदर एंड में, फिर हमने 89 को एंटर करा, सही है। फिर उसके बाद हमने दोबारा डिलीट फर्स्ट को कॉल कर दिया, अब कौन हटेगा, सही, अब 45 हटेगा, सही है। यानी यहाँ तक हमारे पास 87 और 45 थे, सही है। डिलीट फर्स्ट करने के बाद क्या कहते हैं हमारे पास हो गए सिर्फ 45 बचा हमारे पास, सही है। फिर यहाँ पे दो बंदे और एंटर करे हमने, सही है। कौन कौन से थे वो दो, एक सेकेंड, फिर 45 के बाद हमने एंटर करा 62 को, फिर उसके बाद हमने एंटर करा 89 को, सही है। फिर हमने दोबारा एक और डिलीट मार दिया, एक और बंदा लिस्ट से हमारा हट गया, तो 62 बचा और 89 बचा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं हमने फिर तीन बंदे ऐड करे यहाँ पर, सही है। तो 62 हमारा पहले से था, उसके बाद 89 भी हमारा पहले से था, फिर तीन बंदे हमारे यहाँ कौन से हैं, 54, 78, फिर 23, सही है। ये तीन बंदे आए तो यहाँ पे ये 54 आया, फिर 78 अगली लाइन में आया, फिर 23 उसकी अगली लाइन में, ये तीन इस तरह हमने क्या कहते हैं मजीद इंसर्ट कर दिए, सही है। उसके बाद हमने फिर एक और किसको करा डिली, फिर हमने एक और डिलीट मार दिया, तो हमारे क्या बचेगा, 89, 54, 78 और 23, सही है। ये हमारे ये चार बच जाएंगे, ठीक है। ये चार एलिमेंट्स के लिए, ये चार एलिमेंट्स हमारे क्यू के अंदर बच गए, सही है। अब जो पीक वाला फंक्शन होगा ना, अब क्या कहते हैं पीक वाले फंक्शन को, सॉरी कह रहा हूँ, सही है। अब हम अपना चेक, हमारा फ्रंट पे भी कौन है, 89 फ्रंट पे और 23 अभी लास्ट नंबर पर है, ठीक है। हमने यहाँ, मैंने यहाँ पे वही चेक कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वगैरह करवा रहा हूँ, सही है। क्यू फ्रंट के अंदर कौन है, डब्ली लिंक लिस्ट, सही है, जो हमने वेरिएबल बनाया था डब्ली लिंक लिस्ट वन का, हमने वेरिएबल बनाया था वो, फिर डॉट फर्स्ट और डॉट फर्स्ट हमारा उसका डेटा, सही है, उस वो प्रिंट होगा। और उसके बाद हम रियर को चेक करेंगे कि हमारा लास्ट पे कौन है, तो क्यू रियर, सही है। उसके बाद क्या कहते हैं डब्ली लिंक लिस्ट, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो, उसका लास्ट, सही है, यानी आखिरी में कौन है, डॉट डेटा, ठीक है, हम वो चेक करेंगे, सही है। मैं इसको रन भी कर लेता हूँ साथ में, रुक जाओ, सही है, हाँ सेट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं इसको यार, हाँ सही है, हमारा यहाँ पे 89 फर्स्ट पे था, सही है। यहाँ पे देख सकते हो क्यू के फ्रंट में कौन है, 89 मौजूद है, और हमारा 23 लास्ट में मौजूद था, तो क्यू के रियर में कौन मौजूद है, ये 23 मौजूद है, ठीक है, यही यही हुआ है हमारा। और उसके बाद हमने अपनी क्या करी है, एक लाइन लिखी है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट, सही है, डॉट डिस्प्ले फॉरवर्ड, सही है, या सिंपली इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्ले फॉरवर्ड हमने जो करा है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या डिस्प्ले हुआ है, हमारे पास डिस्प्ले ये होना चाहिए ना, 89, 54, 78 और 23, तो हमारे पास ये डिस्प्ले हुआ 89, 54, 78, 23। अच्छा, ये मैंने ना फंक्शन के अंदर से हटाया नहीं है, जो लाइन पहले से लिखी हुई थी डब्ली लिंक लिस्ट की, सही। ये इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें तो हटा लोगे मेरे ख्याल से सब, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्प्ले फॉरवर्ड में ना ये लाइन लिखी हुई थी कि फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और फंक्शन मैंने जो आखिर में बनाया था ना, कहाँ गया, ये क्या मैंने अभी बनाया था बस, कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ठीक है। तो वही डिस्प्ले लिस्ट, वो सॉरी कह रहा हूँ, जो हमारी लिस्ट थी वो, सही है, डॉट नंबर ऑफ आइटम्स का फंक्शन कॉल करवा लिया, ठीक है, यहाँ पर, और उसको सिस्टम डॉट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कॉलन है, तो सही है। हमारे पास लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ये वही चार एलिमेंट्स आ गए, सही है। वही एक दोबारा से रन कर लो, सही वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस एक डब्ली लिंक लिस्ट का, सिंगली लिंक लिस्ट का भी कोड करोगे उससे स्टैक बन जाएगा, डब्ली लिंक लिस्ट का कोड करोगे वहाँ से फंक्शंस पढ़ लोगे सारे, तो जाहिर सी बात है। अब बस ये याद रखना कि कौन से इंसर्ट यूज़ करने है, क्यू में इंसर्ट कौन होता है, इंसर्ट हमेशा लास्ट होता है, ठीक है, और निकलता कौन है हमेशा पहला, तो डिलीट फर्स्ट, बाकी तो सारे कोई ऐसा खास फंक्शन नहीं है, ठीक है। बस अब बाकी फंक्शन के नाम चेंज कर लेना, इंसर्ट लास्ट को सिर्फ इंसर्ट कर दो, इन क्यू कर दो, या डिलीट फर्स्ट को डी क्यू कर दो,
सही है यार, रिमूव कर दो या जो भी करना हो, सही फंक्शन के नाम तो चेंज कर लोगे मेरे ख्याल से सब। और तो कोई खैर ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है। सही है, तो बस एक ये चीज़ के क्या कहते हैं, जो एक बबल सॉर्ट का एक चीज़ बोलनी थी कि क्या कहते हैं, हाँ बबल सॉर्ट में ना, सॉरी बबल सॉर्ट कह रहा हूँ, जो बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च के अंदर सर ने पहले से ये सर ने 2-3 बार बताया भी है, सबको शायद याद ही होगा कि बाइनरी सर्च के अंदर ये प्री कंडीशन होती है कि पहले से लिस्ट हमारी सॉर्ट हुई भी होती है। तो अगर बाइनरी सर्च का कोड लिखने आएगा तो उसमें सॉर्टिंग करने कोई नहीं बैठ जाना, सर ने भी 2-3 बार काफ़ी बार बोला हुआ है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का कोड या सूडो कोड ये सब कुछ लिखना है तो उस क्या कहते हैं उसमें सॉर्टिंग नहीं करने बैठ जाना, अनलेस और अनटिल वहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ ना हो कि सॉर्ट करें, सही है, और फिर क्या कहते हैं फिर उसका बाइनरी सर्च का कोड लिखें, सही है। अगर सॉर्ट सॉर्टिंग करने का उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा तो ही सिर्फ बाइनरी सर्च के अंदर शो करना, वरना डिफ़ॉल्ट पे हम लोग यही समझते हैं कि बाइनरी सर्च के अंदर पहले से सॉर्टिंग हुई हुई है, सही है। तो ऊपर अगर जो भी कोड या सूडो कोड लिखोगे तो वहाँ पे ऐसी कमेंट के तौर पे लिख देना कि अज्यूमिंग दैट एरे इज सॉर्टेड, ठीक है, बाइनरी सर्च के अंदर, ठीक है। और तो खैर कोई ख़ास चीज़ नहीं है अभी।